स्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन के उपचुनाव में जनपद में 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 6 ग्राम प्रधान और 6 बीडीसी सदस्यों का चुनाव शनिवार को विभिन्न बूथों पर संपन्न हुआ। शनिवार को हुए उपचुनाव में जिले में कुल 54.22% मतदान हुआ। एक बीडीसी सीट पर चुनाव स्थगित है, बाकी सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। गौरतलब है कि जनपद में कुल 4496 ग्राम पंचायत सदस्यों, 7 ग्राम प्रधान और 9 बीडीसी सदस्यों का चुनाव होना था, जिसमें अधिकतर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शनिवार को हुए उपचुनाव की मतगणना 14 जून को होगा, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ऐसे जो अभी जैसे आपको पता होगा कि गोरखपुर में 1294 ग्राम पंचायतों में कुल 859 ग्राम पंचायतों का ही गठन हो पाया था, संगठन हो पाया था, क्योंकि कुछ जगह पे या तो प्रधान की चुनाव के बाद मृत्यु हो गई थी या कुछ जगहों पे ग्राम पंचायत सदस्यों के जो कम से कम 2/3 जो सदस्यों की संख्या चाहिए वो पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से चुनाव आयोग के द्वारा पुनः उपचुनाव कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है गोरखपुर में कुल 4496 ग्राम पंचायत सदस्यों, इसके अलावा 7 प्रधान और 9 बीडीसी मेंबर के चुनाव होने थे। इसमें से ज़्यादातर जो ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव जो निर्विरोध हो गया है और 2 बीडीसी मेंबर का चुनाव भी निर्विरोध हो गया है, 1 बीडीसी मेंबर का चुनाव आयोग के द्वारा कतिपय कारणों से उसका चुनाव स्थगित कराया गया है और 1 प्रधान का भी चुनाव जो है निर्विरोध हो गया है। तो अब जो स्थिति है, जो आज जो चुनाव चल रहा है, जो मतदान अभी चल रहा है या ख़त्म होने वाला है अभी, उस मतदान के में 191 ग्राम पंचायत सदस्यों, इसके अलावा 6 ग्राम प्रधानों और 6 बीडीसी सदस्यों का चुनाव आज चल रहा है। इसको शाम 6 बजे के बाद जो है इसकी जो सभी जो वोटिंग मशीन है वो जो ब्लॉक है ब्लॉक पे इसको सबमिट किया जाएगा, क्योंकि छोटे कम जगह पे चुनाव हो रहे हैं तो ब्लॉक पे इसको सब सारे जो बूथ है के जो बक्से हैं उसको लिया जाएगा, वहीं स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहीं स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, फिर 14 तारीख से इसकी मतगणना प्रारंभ होगी। और इसके बाद जो है हमें यह उम्मीद है कि लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा और ग्राम पंचायतें सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगी।